हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी। मेरे चैनल में एमयूएचएस के अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके फाइनल ईयर एग्जाम के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने सुबह आज एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग फाइनल ईयर एग्ज़ाम, जहाँ पे मैंने एमयूएचएस की कमेटी की जो वीडियो कॉलिंग से मीटिंग हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि उसमें जो जो पॉइंट दिए थे वो सब मैंने एक्सप्लेन किए थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने या फिर कुछ बाकी यूट्यूबर ने फेक न्यूज़ करके वो वीडियो को बोल दिया था। लेकिन गाइज, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ, मैं कभी भी फेक न्यूज़ स्प्रेड नहीं करता हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में भी रूमर्स बोलता हूँ कोई भी ना फैलाए। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, उसका प्रूफ दूंगा कि वो वीडियो कितना जेन्युइन था। मैं आपको तीन कॉलेजेस का नोटिस दिखाने वाला हूँ कि आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब ये वीडियो में है। तो ये वीडियो पूरा देखिए और जितना हो सके ये वीडियो स्प्रेड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉक्टर जे माधगम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ये आप डेट दे सकते हैं, आज का डेट है। तो नोटिस देखते हैं, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट यूजी एंड पीजी, ठीक है, जमशेदपुर का ये कॉलेज है। तो आगे देखते हैं, एमयूएचएस नासिक इन जून मीटिंग 29/05/2020 रिगार्डिंग फाइनल एग्जाम। तो ये जो नोटिस है कि रिगार्डिंग फाइनल ईयर एग्जाम, क्या नोटिस है, यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट विल बी इन्फॉर्म टू स्टूडेंट प्रायर 20 डेज ऑफ कंसर्नमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको 20 डेज बिफोर पता चलेगा कि आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। दो स्टूडेंट टू हुम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेंड देयर एग्जाम एट द थियरी सेंटर कैन सबमिट 5 प्रायोरिटी चॉइसेस ऑफ थियरी सेंटर नियर बाय देयर रेसिडेंस फ्रॉम एमयूएचएस एफिलेटेड कॉलेज बिफोर 10th जून, ठीक है। तो आपको 10 जून से पहले आपके नज़दीक के, आपके पास के 5 कॉलेजेस का लिस्ट देना है जो कि एमयूएचएस अफेलेट कॉलेज हो। तो वो लिस्ट आपको ईमेल करना है अपने कॉलेज एड्रेस पे, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट गिव इंफॉर्मेशन विद देयर नेम, अपेयरिंग ईयर फॉर एग्जाम, रेसिडेंस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो आपको ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करना है विद एप्लीकेशन लेटेस्ट बाय 6 जून। तो 6 जून तक आपको ये कॉलेज को मेल करना है। ऑल स्टूडेंट आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट दे शुड क्लियर देयर ड्यूज अप टू 5 जून, ठीक है। 5 जून तक आपको फीस वगैरह जो भी रहेगा वो करना है। ये बेसिकली वो जमशेदपुर के कॉलेज का है, लेकिन एमयूएचएस का अगर बाकी वाकी कॉलेज का डिपेंड करेगा कि फीस कैसे पे करना है। दो स्टूडेंट हु अपियर थियरी सेंटर अलॉटेड बाय एमयूएचएस कॉलेज स्टूडेंट शुड मिनिमली बी प्रेजेंट एट जमशेदपुर 20 डेज। अगर सपोज आपके नज़दीक में कोई भी एमयूएचएस का सेंटर नहीं है और आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो आपको वहीं पे जाना है सेंटर के लिए, तो आपको 20 डेज पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा क्योंकि आपको क्वारंटाइन करेंगे, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट प्रूफ। ये अगर हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड वीडियो के बारे में, सेकेंड प्रूफ के बारे में, ये सावरकर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का नोटिस है। आप डेट देख सकते हो, आज का डेट है, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइंस देखते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट विल बी इन्फॉर्म टू स्टूडेंट एटलीस्ट 20 डेज प्रायोर टू द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। तो वही बोला गया है कि 20 डेज पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दो स्टूडेंट हु मे नॉट एबल टू अटेंड कॉलेज थियरी सेंटर, जो कि कॉलेज सेंटर नहीं अटेंड कर सकते, उसको 5 चॉइसेस दिया जाएगा, ठीक है। उसको नियरेस्ट 5 पॉइंट दिए जाएंगे, 5 कॉलेज दिए जाएंगे जहाँ पे वो जा सकता है। तो उसको वो कॉलेज का लिस्ट भेजना है इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या उसको डालना पड़ेगा, उसका फुल नेम डालना है, उसका प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, एग्जाम अपीयरिंग ईयर, कोर्स न्यू है ऑड इवन बैच जो भी आपका रहेगा वो आपको डालना पड़ेगा। फिर ये जो दिया है माई चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो आपका चॉइस आपको प्रेफरेंस वाइज डालना है, ठीक है। तो पहले आप अपने सबसे जो क्लोज वाला एमयूएचएस का एफिलेट कॉलेज है तो वो डालो, उसके बाद जो थोड़ा सा दूर है, फिर जो थोड़ा सा दूर है, ऐसे 5 कॉलेजेस के नाम आपको यहाँ पे डालने हैं। काइंडली नोट दैट अलॉटमेंट सेंटर इज़ सोल राइट ऑफ यूनिवर्सिटी। इफ़ योर चॉइस ऑफ सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल और कैन नॉट बी अलॉटेड ड्यू टू एनी रीजन, द स्टूडेंट हैज़ टू अपियर फॉर थियरी एग्जामिनेशन
एट हीज और हर पेरेंट कॉलेज। तो अगर आपने जो 5 सेंटर के नाम दिए हैं वो सेंटर आपको किसी भी रीज़न से नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न से आपको वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो आपको आपका जो पेरेंट कॉलेज है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये नोटिस है कॉलेज का, ठीक है। तो अभी तीसरे कॉलेज का देखते हैं। यहाँ पे आपके फाइनल एग्ज़ाम के बारे में क्लियरली बताया गया है। एंटोनियो कांसे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तो आप डेट देख सकते हो, आज का ही सर्कुलर है, आज का ही ऑफिशियल नोटिस है। तो एज पर गाइडलाइन गिवन बाय MUHS, नासिक समर 2020 MUHS थेरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 1st जुलाई 2020 ऑनवर्ड। डिटेल ऑफ टाइम टेबल विल बी पब्लिश बाय MUHS विद इन कमिंग फ्यू डेज। सो अकॉर्डिंगली स्टार्ट यूर सब्जेक्ट प्रिपरेशन, ठीक है। क्या बोला गया है, 1 जुलाई से आपका फाइनल एग्ज़ाम शुरू होगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन शुरू करो। MUHS has decided to give preference of different homeopathic medical college center to student for theory exam, so that student can give theory examination at center in near to their home. तो फिर से वही बात बोला गया है ये लिस्ट में भी, ये नोटिस में भी, कि उसको 5 सेंटर का नाम देना है जिसमें से 3 सेंटर उसके घर के पास में हो, ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैव गिव लिस्ट ऑफ 5 सेंटर इन विच 3 सेंटर शुड बी नियर टू योर टाउन। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर प्रेफरेंस लिस्ट विल बी 8 जून 2020। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ फिलिंग इन्फॉर्मेशन इन एक्सेल शीट विल बी सेंट इन अ ग्रुप एज सून इट पब्लिश बाय MUHS। तो आपको वो कैसे फॉर्मेट में सेंड करना है वो आपको आपके कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है, जल्द से जल्द जितना पॉसिबल होता है आपको मिल जाएगा। टिल दैट यू विल हैव डिसाइड 5 सेंटर एग्जामिनेशन, तब तक आपको 5 सेंटर डिसाइड कर लेना है। इफ़ MUHS won't able to make your adjustment as per your preference list, it will mandatory to give your summer 2020 exam from your own college। तो ये भी बहुत important बोला है कि अगर आपका जो मैंने last point में बताया था कि अगर आपने जो preference दिया है उस college में आपको admission नहीं मिल रहा है exam के लिए, तो आपको आपके parent college में जाना ही पड़ेगा। इट विल मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट सबमिट देयर कॉलेज प्रेफरेंस, तो इस कॉलेज का ये आईडी है उस पर कॉलेज प्रेफरेंस आपको डालना है कि फर्स्ट ईयर का है, तो इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। वैसे ही हर कॉलेज का, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सबका ऐसा एक नोटिस आएगा, जल्द से जल्द आएगा। अभी ये कॉलेजेस है जिन्होंने एक्टिवली सबसे पहले नोटिस निकाले हैं, ये कॉलेज है जिसने सबसे पहले एग्ज़ाम का डेट भी डिक्लेयर कर दिया है जो कि आपका 1st जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। गाइस, मेरे अभी तक जितने वीडियो हुए हैं मैंने सब में बोला है कि आपका एग्ज़ाम प्रोबेबली 1st जुलाई, मतलब जुलाई या अगस्त में हो सकता है। तो गाइस, जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ सोचता हूँ जेन्युइन वीडियो बनाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि फेक न्यूज़, फेक वीडियो, तो मेरा उनको बोलना है कि आप पहले देख लीजिए क्या सच न्यूज़ है क्या फेक न्यूज़ है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द ये वीडियो स्प्रेड करिए, बहुत बच्चों के पास स्प्रेड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है गाइस। चलिए गाइस, अभी पढ़ाई शुरू करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड। जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा मैं आपको नए नए न्यूज़ बताता जाऊँगा, लेकिन पढ़ाई शुरू कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली होने वाला है, कंफर्मेशन आ गया है। चलिए गाइस, बाय बाय।